समय पर करता था। वह विद्यालय से जाते ही जल्दी से तैयार होकर के पढ़ने बैठ जाया करता था। सायंकाल में अपना गृह कार्य सोने से पहले करके और जल्दी सो जाता था और प्रातः काल प्रात वेला में घर में सबसे पहले उठता था और उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर अपने पाठ को याद करता था। समय पर विद्यालय पहुंचता था, विद्यालय में पूरे दिन अच्छे से कार्य करते हुए फिर घर जाता था। ये जो उसकी संपूर्ण दिनचर्या थी, इसमें उसके साथ ही उसकी प्यारी सी घड़ी थी। एक रात रामू गहरी नींद में सोया था। शांत वातावरण, कहीं पर भी कोई आवाज नहीं, सन्नाटा। घर के सभी सदस्य सोए हुए थे, केवल उस कमरे में जो अनगूंज हो रही थी, गूंज हो रही थी, तो घड़ी के टिक टिक करने की आवाज आ रही थी। रामू की प्यारी सी घड़ी, जिसे रामू बहुत प्यार करता था। वह रोज अपनी रुमाल से उस घड़ी को साफ करता था और अपने टेबल में मेजपोश बिछा करके उसके ऊपर रखता था। रामू सोया हुआ था, जैसे ही घड़ी के अंदर दो सुइयां होती हैं, एक बड़ी सुई एक छोटी सुई, तो जैसे ही बड़ी सुई घूमते हुए चलते हुए फिरते हुए छोटी सुई के आके छोटी सुई के पास आकर के रुकी, तो छोटी सुई से पूछती है, बोलती हालचाल करती है, कहो बहन क्या हालचाल। छोटी सुई अड़ाई लेते हुए कहती है कि ठीक है बहन, तुम्हारा क्या हालचाल है। बड़ी सुई कहती है कि मेरा भी हालचाल ठीक है, लेकिन हमेशा चलते चलते मैं थक गई हूं। छोटी सुई भी कहती है, हाँ बहन वास्तव में मैं हमेशा हम लोग चलते रहते हैं। और ये देखो जो रामू है ना, रामू का काला कुत्ता भी, जिसका नाम कालू है, क्या चैन से सो रहा है। घर के सभी सदस्य सो रहे हैं, तो बड़ी सोई कहती है, हाँ ये जो रामू भी है ना, कैसे घोड़े बेच करके सो रहा। और ये सुबह के उठने का काम हम लोगों को सौंपा है, जब हम दोनों 5 बजे अलार्म बजाएंगे तब रामू जाकर के उठेगा। तो बड़ी सोई कहती है, वास्तव में ये सब आराम कर रहे हैं और हम और तुम दोनों दिन रात अनवरत मेहनत करते रहते हैं, चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। तो बड़ी सुई कहती है कि हम लोग भी थोड़ा आराम कर लें। तो छोटी सुई बड़ी सुई के विचार से सहमत हुई और बोलती है, ठीक कहती हो बहन, चलो हम दोनों भी आराम करते हैं। और इस तरह से दोनों सुइयां जहां की तहां थी वहीं ठहर गई, स्थिर हो गई, रुक गई। सुबह जब रामू की नींद खुली तो देखा पूरे कमरे में प्रकाश फैला हुआ, सभी अपने काम में लगे हुए थे। रामू हड़बड़ा करके उठा और उठते ही उसे आश्चर्य हुआ, घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी बंद। उसे बहुत गुस्सा आया और वह बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। तो दोनों सुइयां बात करती हैं, चलो आज इस बच्चों को अच्छा मजा आया होगा, जिसको पूरे दिन का जो लेट हो गया काम में ना, इसको मजा हम लोग चकाते हैं। अब जैसे ही रामू कमरे से बाहर निकला तो रामू के पिताजी मिले। रामू गुस्से से बड़बड़ाते हुए जा रहा था। रामू पिताजी बोले, क्या हुआ बेटा। रामू ने चरण स्पर्श किया जैसे सुबह करता था प्रतिदिन अपने पिताजी के, और कहा, पिताजी आज घड़ी बंद हो गई, इसलिए मेरी जो नित्य क्रिया थी लेट है,